शहर में 10 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद स्थिति तो धीरे धीरे सामान्य हो चली है, लेकिन पीड़ितों का दर्द अब भी कम होते दिखाई नहीं दे रहा है। सोमवार को संजय नगर के पीड़ित एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर प्रशासनिक स्तर पर नुकसान के लिए किए गए सर्वे और मिली मदद पर आपत्ति दर्ज कराते हुए दोबारा आकलन कर उन्हें उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर बताया कि दंगे में किसी का पूरा घर, गृहस्थी का सारा सामान जला दिया गया, तो किसी की रोजी रोटी का साधन ऑटो रिक्शा लोडिंग टेम्पो जला दिया। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने उन्हें आर्थिक मदद नहीं दी, लेकिन नुकसान का जो आकलन किया गया है वह ऊंट के मुँह में जीरे के समान है। लाखों रुपए मूल्य के नुकसान के सामने हजारों रुपए देकर कैसे भरपाई की जा सकती है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अभी जो दंगा फसाद रामनवमी को हुआ था और हमारे मकान वगैरह जल धराशायी हो गए, जला के खाक कर दिया है, और हमारे को शासन तरफ से जो राशि मिली है वो नाम मात्र की राशि है, उससे घर का जीवन यापन कैसा शुरू होगा, इसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया। क्या आश्वासन दिया आपको? सर वो बोल रहे हैं कि अभी एक नए सिरे से भी और वो गठित होगी कमेटी और नए सिरे से भी आवेदन होंगे, ऐसा आश्वासन। तो जो अभी मुआवजे की राशि दी उससे संतुष्ट नहीं है? उससे संतुष्ट नहीं है। क्या नाम है? दुर्गेश पवार। कहाँ रहते हैं? संजय नगर वोडाफोन टावर के पास। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।